नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा बुलेटिन में। आपके साथ में दिव्या, रुक करते हैं खबरों का। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि तीनों महापुरुषों को भारत रत्न देना सम्मान की बात है। सीएम ने तीनों महापुरुषों को भारत रत्न देने पर आभार भी जताया है। बता दें कि सीएम ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसान हित और उनके आधारभूत मुद्दों को प्राथमिकता दी है। किसानों के अधिकारों और कल्याण के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। आपातकाल में भी लोकतंत्र को जीवित रखने में चौधरी चरण सिंह का अहम योगदान रहा है। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को याद किया और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और विपक्ष समेत विपक्षी नेताओं को सम्मान देकर संसदीय परंपराओं को मजबूत किया। भारत को वैश्विक बाजार के लिए खोलने, आर्थिक विकास के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा है। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने आधुनिक कृषि और किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए काम किया। आधुनिक समय की कृषि और किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए उनका योगदान हमेशा अनुकरणीय रहेगा। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से देश की तीन महान विभूतियों को अलग अलग क्षेत्रों में उनके कामों के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसी को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आवाज रहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को देश का सर्वोच्च सम्मान देकर इन महान विभूतियों का गौरव बढ़ाया है। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने न केवल भारत रत्न बल्कि पद्मश्री, पद्म विभूषण सहित अन्य पुरस्कार जमीन से जुड़े समाजसेवी और वास्तव में भारत देश के निवासियों के लिए कार्य करने वाले लोगों को देने की प्राथमिकता अपनाई है। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं अपनी तरफ से, सारे किसान वर्ग की तरफ से। और जो भारत रत्न दिया गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता चौधरी चरण सिंह को, कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने किसानों के हित में बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, स्वामीनाथन जी, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी जिन्होंने देश की इकोनॉमी जो खराब थी, देश की बिल्कुल दुर्दशा थी आर्थिक, उसको सही पटरी पर लेके आए। इन तीन महान व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है, ये इसके हकदार थे। और चौधरी चरण सिंह को तो ये पुरस्कार बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि वो भारत के किसानों की आवाज़ थे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गांव चलो अभियान की शुरुआत कर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र पहले नंबर पर रहेगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का उनकी उपस्थिति में जन्मदिन मनाया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार हर साल राज्य स्तरीय मेले का आयोजन किया जाता है। महेंद्रगढ़ में 24 फरवरी से 26 फरवरी को आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में किसान और पशुपालक अपने आएंगे और मेले में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल सहित केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय का निर्देश हुआ है। पर एक हरेक कार्यकर्ता हरेक बूथ पर जाकर के जो पार्टी का निर्देश अनुसार काम करेगा, तो उनके लिए ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। और ये सारे कार्यकर्ता जो हमारा निर्देश हुआ है, बड़े जोश और होश के साथ, जो चुनाव का बिगुल बजा है लोकसभा का और पूरे देश में 400 पार का जो नारा है, लोहारू क्षेत्र भिवानी जिला, भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट, इसमें पहले नंबर पर रहेगा।
जो पार्टी का निर्देश है उसका पालन करेंगे। कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है, पूरे हौसले में है और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने जो नीतियां बना करके काम किया है, जो कमजोर तबके को नौकरी दी है, किसानों को फसल बीमा योजना दी है, किसानों को नहरी पानी दिया है, बिजली की व्यवस्था की है, इससे सारा इलाका खुश है। अगली खबर झज्जर से है, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर खाप पंचायतों में दोहरी खुशी जताई जा रही है। इसी का आभार जताने के लिए झज्जर क्षेत्र के विभिन्न खापों के सरदारी झज्जर के कैनाल रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए। खापों में अहलावत खाप, गुलिया खाप, धनकड़ खाप के साथ ही कई खाप मौजूद रही। खुशी के इस पल को साझा करने के लिए प्रदेश सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। बता दें कि खापों के सरदारी के साथ यहां खुशी जो है साझा करने आए। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पहले भारत रत्न का कलर एक तरह का दिखता था, लेकिन अब यही कलर जो है सतरंगी दिखने लगा है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को किसान का मसीहा बताया। कहा कि चरण सिंह और स्वामीनाथन के प्रयासों से किसान वर्ग काफी ऊपर उठा है। उन्होंने कहा कि अब पद्म पुरस्कारों में भी बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। अपने हमारे जो राजकुमार सुनारिया जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया, तो इसमें आज हमारे को सभी हमारी 36 बरादरी को भी सभी को भी मतलब जो सभी खुश है। और जब भी मतलब धनखड़ साहब ने हमारी सरव खाप या खापों को, तो आज हमने सिर्फ धनखड़ साहब जी का, मोदी जी का और अपने पूरी सरकार का धन्यवाद भी करते हम इसमें, क्योंकि हमारे को किसानों को मिलने का जब भी समय मोदी जी से मिला, तो किसानों को धनखड़ साहब ने हमारे को हर समय आगे खड़े रहे हैं। और मुख्यमंत्री से भी जो किसानों के संबंधिता, तब भी हमारी मुलाकात कभी हरियाणा भवन में, और आज हमें इसमें सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और अपनी सरोकार के। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी के पल हैं और मैं धन्यवाद के पात्र हैं हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री जी, जिन्होंने अपनी मुखवाणी से जिस प्रकार से हमारे को ये बात सुनाने का जो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बड़ा जो खुशी की जो बातें जो अपनी मुखवाणी से उन्होंने सुनाई, तो ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत रत्न है, ये भारत रत्न भारत का तो सबसे सर्वोच्च पद है ही, लेकिन इसके पूरे संसार के अंदर जिस भी देश का सर्वोच्च पद होता है वो पूरे संसार में उसकी मान्यता होती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सहित एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए निशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया। बता दें कि जिला फतेहाबाद रेडक्रॉस सोसायटी की तरफ से उपायुक्त अजय सिंह तोमर के मार्गदर्शन में शुक्रवार को खंड विकास और पंचायत कार्यालय में यह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 196 दिव्यांगजनों को 354 उपकरण उपलब्ध करवाए गए, जिसमें 3-पहिया साइकिल, श्रवण यंत्र, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और बैसाखी सहित फोल्डिंग व्हील चेयर सहित कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस दौरान निशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण नापा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति को समाज में पूरे मान और सम्मान के साथ जीने का उतना ही अधिकार है जितना एक सामान्य व्यक्ति को होता है। प्रयास किया गया, कितने विकलांगों को ये साइकिल वितरित की जा रही है, अन्य क्या क्या आदि दिए जा रहे हैं? देखिए सर, पूरे जब जिला फतेहाबाद में है, पूरे फतेहाबाद जिले के जो कैंप में आए टोटल हमारे पूरे जिले में, तो 518 दिव्यांगजन आए। इसी प्रकार से जो रतिया है, रतिया में सबसे ज़्यादा दिव्यांगजन का पंजीकरण, उसके बाद तोहाना और फिर फतेहाबाद,
यानी कि फतियाबाद तीसरे नंबर पे और फर्स्ट में रतिया के, उनमें से आज जो लोग आए इनको 38 लाख रुपए से अधिक का सामान वितरित किया जा रहा है टोटल जिले में, नहीं केवल रतिया में, टोटल जिले में कितने? 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 15 लाख। और ये भारत सरकार का जो एलिमको कंपनी है उसने ये पहले कैंप लगाए फिर ये हमें सामान दे रहे हैं। जो ट्राई साइकिल है सब चीजें आज जिला प्रशासन और रेड क्रॉस द्वारा बांटी गई हैं, तो बहुत ही आज अच्छा लगा कि दिव्यांगजनों को आज जो हमारी सरकार माननीय मोदी जी की और जो मनोहर लाल जी की सरकार है कि जो अंत्योदय की सरकार है तो आज वो हमें देखने को मिल रहा है कि इनको आज बैटरी संचालित द्वारा जो ट्राई रिक्शा दिया गया वो बहुत ही एक अच्छा प्रोटी कितने बांटे गए 1.25 करोड़ रुपए के लगभग सारे जिले के जितने भी हमारी तीनों विधानसभा है सभी का कैंप लगा है जो रह गए हैं पात्र उनकी, हाँ उनकी भी रजिस्ट्रेशन आज रजिस्ट्रेशन यहाँ कर रहे हैं और जल्दी फरवरी के अंत में उनको भी मिलेगी। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, क्योंकि कहते यानी कि सरकार का बढ़िया प्रयास है। नाम कीजिए अपना, नाम अंग्रेज यानी कि पहले दिक्कत आती थी आपको बहुत? पहले दिक्कत आती थी साइकिल के बिना, अब तो नई साइकिल मिल गई, तो सरकार का इस तरह ये प्रयास है बहुत अच्छा प्रयास है। अगली खबर फरीदाबाद प्रथला विधानसभा से। निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने अपने कार्यकाल पर कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में विधायक नयनपाल रावत द्वारा 11 फरवरी को प्रथला विधानसभा के चंदावली गांव में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विधायक नयनपाल रावत ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा ही नहीं बल्कि जिले और प्रदेश के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करेगा। जो भगवान रूपी लोग यहाँ आने वाले हैं, 11 तारीख को 11 बजे यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन प्रथला परिवार कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहा है और जो मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक ऐतिहासिक सम्मेलन यहाँ होगा और उन्हीं का जो हम यहाँ पर जो भोज प्रसाद बना रहे हैं उनके लिए, तो आज उसका जायजा मैंने आकर के लिया है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि मैं रैली स्थल पर बहुत ज़्यादा आता जाता नहीं हूँ क्योंकि परमात्मा की दया से मेरे पास एक ऐसी टीम है, एक ऐसी अच्छी टीम है जो शायद मुझे कोई काम बांटना नहीं पड़ता। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, बहुत सारे नेता जो रैलियाँ करते हैं और चीज़ करते हैं वो कई दिनों से उनको नींद नहीं आती, लेकिन महाराष्ट्र महिला कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अलका लांबा ने एक पोस्टर जारी किया, हरियाणा के हर जिले में नारी न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 7% कन्या भ्रूण हत्या के मामले केवल हरियाणा से आ रहे हैं। हरियाणा की पदक विजेता खिलाड़ी बेटियां दिल्ली में विरोध करती रहीं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ये कहना था अलका लांबा का। आपको लिंग जांच रोकने पर आप विफल हो गए हैं। 7 गांठ है आपकी निजी स्वास्थ्य केंद्रों से जहां पर ये लिंग की जांच हो रही है और पता लग रहा है हत्या, तो दूसरा कदम है। आप दूसरे कदम पर कार्रवाई के लिए कह रहे हैं 1 लाख रुपए का इनाम, पर पहले पर ही आप अगर कार्रवाई कर देते तो आज
60% कन्या भ्रूण हत्या के मामले केवल हरियाणा से आ रहे हैं, केवल हरियाणा से। अपराध के मामले में कहें, पूरे देश में, हरियाणा की हमारी बेटी साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पर पटक पटक कर आई हो, कोई सुनवाई नहीं। बेटी बचाओ के नारे देने वाले प्रधानमंत्री जी, मेडल जब साक्षी मलिक ने जीता, आपने उसको आमंत्रित किया, लेकिन आज जब उस बेटी के गले में मेडल के साथ आंसू हैं, मिलने का समय मांग रही है, अभी तक आज तक मिलने का समय नहीं है आपके पास। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय बदलने के विरोध में जिला बार एसोसिएशन बिना परिसीमन के लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय बदलना पूरी तरह से अनैतिक। बिना परिसीमन के प्रशासनिक स्तर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का नाम चुनाव आयोग द्वारा महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन ने वीरवार को ही चुनाव आयोग को संदेश भेजा था और अपना विरोध दर्ज करवाया था। बिना परिसीमन के लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय बदलना तर्क संगत नहीं है, ये उन्होंने कहा। साथ ही ये बात जिला बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यजीत पिलानिया ने शुक्रवार को बार एसोसिएशन के परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। पिलानिया ने कहा कि अगर इस प्रकार की नीति को जबरदस्ती से अगर कर दिया जाए तो इसका पुरजोर विरोध हम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग इस मुद्दे को लेकर अड़ा रहा तो वे भिवानी और दादरी जिले के आमजन के बीच जाकर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे और आमजन को इस बारे में जागरूक करेंगे। आज की प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य यह है कि भिवानी लोकसभा क्षेत्र का नाम चेंज करने का एक चुनाव आयोग का प्रयास है, उसके आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज बुलाई। कल हमने ईमेल के द्वारा भारत सरकार चुनाव आयोग को हमने आपत्ति दर्ज करा दी थी। इसी को लेकर हमारे लुहारू बार एसोसिएशन ने, शिवानी बार एसोसिएशन, तोसाम और दादरी और भिवानी बार एसोसिएशन ने एक रेजुलेशन पास किया है कि भिवानी महेंद्रगढ़ को बदलकर महेंद्रगढ़ भिवानी ना किया जाए लोकसभा क्षेत्र का नाम। तो ये मुद्दा हमारे भिवानी दादरी जिले का है पूरा का पूरा, क्योंकि भिवानी के अंदर इतने बड़े बड़े राजनीतिक लोग रहे हैं, तीन तीन मुख्यमंत्री यहाँ हुए, रक्षा मंत्री यहाँ पर हुए, रेल मंत्री यहाँ पर हुए, और कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को सीरियसली नहीं ले रही। वही किसान संगठनों के द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर के अंबाला में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। एसपी अंबाला जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अंबाला पुलिस ने पंजाब से आने वाले खासकर शंभू टोल प्लाजा पर भारी बैरिकेडिंग की जा रही है। वहीं भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद है। पुलिस के द्वारा एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मॉक ड्रिल की रिहर्सल भी की गई है, साथ ही उन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि एसपी अंबाला का कहना है कि कोई भी कानून को अगर अपने हाथ में लेता है या कानून की बात नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच की कॉल दी गई है और उसके बारे में हमारे जिला प्रशासन, जिला पुलिस के लेवल के ऊपर हमने जो संगठन इसके अंदर शामिल हो रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है। उनको अपील किया है कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लें और अपनी जो बात है वो संवैधानिक तरीके से परमिशन लेके वो प्रोटेस्ट करें, और अगर फिर भी उसके बावजूद वो दिल्ली चलो की कॉल के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो उसके लिए हमने 144 धारा जो है वो यहाँ से डीसी साहब द्वारा जारी की गई है।
अम्बाला के गांव साहा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक अवैध अल्ट्रासाउंड गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम को सूचना मिली थी कि गांव साहा के मलिकपुर में एक आरएमपी डॉक्टर अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मलिकपुर में पुलिस के साथ मिलकर के छापेमारी की और दो दलालों को गिरफ्तार किया और सहित एक झूला छाप डॉक्टर को भी पकड़कर उनसे डील की जो राशि थी वो बरामद की है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नकली ग्राहक तैयार किया, जाल बिछाया और पैसे के लालच में डॉक्टर और दलाल ने 40,000 रुपए में महिला के भ्रूण लिंग जांच का सौदा किया। पहले से तैयार टीम ने दोनों दलालों को कब्जे में लिया और मलिकपुर में झूला छाप डॉक्टर को भी काबू किया। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी फरार है जिसकी अंबाला पुलिस तलाश कर रही है। आज पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत एक छापामारी की गई है स्वास्थ्य विभाग अंबाला की टीम द्वारा। गुप्त सूचना के अनुसार हमें पता चला था कि एक गिरोह है जो कि अंबाला में सक्रिय है, जो यूपी से पोर्टेबल मशीन ले आके गर्भवती महिलाओं का भ्रूण लिंग जांच करवा रहे हैं। तो इसी मामले में एक टीम बनाई गई स्वास्थ्य विभाग की और उस टीम को आज दिनांक 8 फरवरी को ये कार्रवाई करी गई, जिसमें हमें दलाल ने 40,000 रुपए के साथ प्रेग्नेंट लेडी को मुलाना बुलाया था। वहां से वो उनको मलिकपुर की तरफ ले गया। मलिकपुर में एक दलाल पहले से ही खड़ा था, तो उनमें से एक दलाल प्रेग्नेंट लेडी को मोटरसाइकिल पर बिठा के गांव के अंदर ले गया। हमारे पास सीएमओ बलविंदर कौर जी ने कंप्लेंट दी थी, उन्होंने गांव मलिकपुर के अंदर एक रेड मारी थी, यहाँ किसी घर के अंदर एक भ्रूण जांच चल रही थी, उन्होंने रंगे हाथों पे 3 लोगों को पकड़ लिया था, एक आदमी उनसे फरार हो गया था, जिनमें उन्होंने कंप्लेंट देने पे हमने पर्चा दर्ज कर दिया है और आज हमने उनको कोर्ट में पेश कर दिया। पकड़े गए कितने आरोपी थे? 3 आरोपी पकड़े गए थे मौके पे, एक आरोपी फरार हो गया था, अभी इसकी जांच चल रही है। हरडा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।